देखिए आदिवासी का भी नामकरण पहले बहुत था ना, कोल कोलारियन ड्राविडियन ऐसा नहीं बोला जाता था। खैर ये कौन इंग्लिश राइटर है नाम भूल रहे हैं, बहुत डीप स्टडी किया, डीप स्टडी करने के बाद हो मुंडा ने हो संथाल खड़िया और भूमि इन लोगों को मुंडा रूट का ब्रांच का है, तब ये मुंडा शब्द आ गया है, ड्राविडियन को हटा दिया है, ड्राविडियन के अंतर्गत कल उरांव लोगों को रखा है। कि पहले उरांव लोगों को भी कौन कोलारियन बोला जाता था, ड्राविडियन को साउथ के ड्राविड समुदाय के समकक्ष से आया, इसीलिए उन लोगों को ड्राविड कह गया है और उन लोगों की भाषा भी अलग है ना। लोग खेत बनाने के लिए जंगल झाड़ी काटते हैं, एक मुर्गा को वहाँ बांध दिया जाता था जंगल में, अगर मुर्गा सुरक्षित रहे, कोई जंगली जानवर उसको नहीं खाए तो लोग सोचते हैं ये सुरक्षित जगह है और यहाँ लोग खेत खलिहान बनाएंगे, और जिस जगह पर मुर्गा बांधा गया था उस जगह को जथा रूप में छोड़ देते हैं, वहाँ नहीं काटते। वही हुआ देशावली सारना, जो अभी भी है। कोई सरना को बाद में कुछ रोप करके गाछ रोप करके बनाए सो बात नहीं है, प्रकृति का हुआ होगा, इसलिए उस जगह को पूछते हैं कि तुम्हारी अगर मेहरबानी नहीं होती दशावली को जो जंगल के एक अंग को जथा रूप में छोड़ा है, अगर तुम्हारी मेहरबानी नहीं होती, दया दृष्टि नहीं होती, हम लोग यहाँ नहीं बसते, तो तुम्हारी दया दृष्टि से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, अब गाँव की सुरक्षा करने का जिम्मा तुम्हारा है, इसीलिए दशावली को पूछते हैं। ये मोटा मोटी तो ये प्रकृति को पूजने के पीछे कारण यही है, इसीलिए यहाँ के मूल निवासी प्रकृति पूजक है। और जिस किताब का रेफरेंस हम आपको दिए हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, उसमें एक सेंटेंस आया है, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन्स इज द एनिमिज्म व्हिच इज स्टिल प्रैक्टिस्ड बाय द रिमोट ट्राइब्स सच एज होज मुंडा एंड संथाल। इसलिए प्राचीन टाइम था इसी को माना। भगवान को हो फिलोसफी में सृष्टिकर्ता नहीं मानते, भगवान को प्रथम सृष्टि का विस्तारक मानते हैं, इसलिए हो में एक मंत्र है, सात सुतम सात कौड़ों ते उपन जपन केन सिंह बोंगा है, मतलब दो सांसों के एकाकार होने से प्रथम सृजित मानव का विस्तारक है भगवान। देखिए दो सांस नर नारी का मिलन, और बिना नर नारी के मिलन का सृष्टि कतई संभव नहीं है, ठीक है, तुम सृष्टिकर्ता नहीं हो, बल्कि प्रथम जो अनजान नर नारी के दोनों सांस के एकाकार होने से जो प्रथम सृष्टि हुई है, प्रथम बच्चा जन्मा है, उसके तुम विस्तारक हो, विस्तारक के रूप में भगवान को मानते हैं। हो फिलोसफी में और कभी कभी सोचते हैं तो हमको एकदम ठीक लगता है, सही लगता है। प्रकृति पालन करता है, संरक्षण करता है, प्रकृति सब कुछ देता है इंसान को, माने जल हवा खान पान फल फ्रूट अन्न प्रकृति ही देता है, तो प्रकृति इतना देता है, लेकिन प्रकृति को चढ़ावा में कुछ नहीं देते, लेकिन बाकी में चढ़ावा में देना पड़ता है, और उसी चढ़ावा से भगवान का अलीशान बिल्डिंग लोग बना देते हैं यहाँ, क्योंकि प्रकृति सब कुछ है,
और वो फिलोसफी का आधार पर प्रकृति से कोई बड़ा नहीं है, प्रकृति पर हर कोई है, भगवान भी प्रकृति पर है, मतलब भगवान पर प्रकृति नहीं, प्रकृति पर, इसीलिए प्रकृति कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब मान लीजिए गुड़ सफल होता है लेकिन पहाड़ की जगह इतना अपने आप पैसा हो जाता है, राज वृक्ष जंगल का उखड़ जाता पैसा होगा, वो राज वृक्ष उखड़ जाता फिर राज वृक्ष जैसे लगता है, मैंने प्रकृति को कोई क्षति पहुंचा भी नहीं सकता, अपना अपना फिलोसफी है। जहाँ आदिवासी हैं वहाँ प्रकृति ऐसा कोई बड़ा बदला नहीं ले रहा, बाकी जगह पे जिस तरह से प्रकृति बदला ले रहा है, कहीं फ्लड तो कहीं भूस्खलन तो कहीं क्या, कहीं ऐसा ऐसा तूफान, बर्फ का तूफान, धूला का तूफान, तो कौन चीज़ का तूफान, विचार जो कितना डैमेज हो रहा है वहाँ के लोग, लेकिन जहाँ जहाँ आदिवासी है ऐसा कोई खतरनाक चीज अभी तक नहीं आया है, क्योंकि प्रकृति के पूजक है और प्रकृति को लोग क्षति नहीं पहुँचाता। ये तो बाहर से आकर के ना आदमी प्रकृति को क्षति पहुँचा रहा है, कहीं फैक्ट्री बन रहा है गाछ वृक्ष कट रहा है, खदान बन रहा है गाछ वृक्ष कट रहा है, लेकिन आदिवासी तो प्रकृति जरूरत के अनुसार से लेता है, घर बनाना है लकड़ी की जरूरत है काट के ले आया, एक बार घर बना दिया सब ठीक, और लकड़ी भी पहले जिंदा गाछ को लोग नहीं काटता था, जो घर गाछ मर गया उसको काटता था और उसी को जलावन बनाता था, यही था, और प्रकृति को कभी क्षति नहीं पहुँचाता। देखिए तालाब वगैरह में जिधर से पानी आता है उधर लोग पैखाना नहीं करते, इसलिए उधर हम लोग करेंगे पानी बरसेगा गंदा को बहा के ले जाएंगे तालाब में जिससे हम लोग डालते हैं, इतना कॉमन सेंस। और नदी नाला को लोग क्षति नहीं पहुँचाते, लेकिन आजकल तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए रोरो नदी खत्म हो गई, इसीलिए प्रकृति रक्षक। अच्छा यहाँ तो पहले हीट होता ही नहीं था, शायद इसका अनुभव आपको नहीं है, हीट वेव 30 साल से चलने लगे, उसके पहले नहीं था, कोल्ड वेव तो यहाँ चलता ही नहीं था, यहाँ अर्थक्वेक नहीं होता है, फ्लड नहीं होता है, जितना भी पानी पड़ेगा लोग तो उसी जगह पर घर बनाएगा, नदी नाला हो तो गहराई पे जाता है, इसीलिए फ्लड से नदी नाला से यहाँ के लोगों को क्षति नहीं। अब टाउन में लोग जो नाली बना हुआ है उसमें घर का सामान सब फेंक देगा, भर जाएगा नाली में, पानी बरसता है तो कचरा बाहर। हम लोग जिस समय जिले स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग छोटा थे, उस तरह से उस समय टाउन ने डेवलप किया था, जब हैवी रेन होता था जितना टाउन का कचरा है सब बहा करके ले जाता था, पूरा शहर साफ हो जाता था, आज तो उल्टा होता है पानी बरसता है, ये सब हम लोग अपनी आँखों से देखे। आदिवासी ही आदिवासी समाज का दुश्मन कैसे बना और अभी भी कंटिन्यू है, उसके बारे में पहले हम बताना चाहेंगे। पहले यहाँ केवल आदिवासी होता था, आदिवासी समाज से राजा भी हुआ करते थे, पानी मुकुट राय, वो मुंडा समाज से राजा यहाँ हुआ करते थे और राजा के अधीन मुंडा मंत्री हुआ करते थे। उसमें राजा को कोई लगान मलगुजारी टैक्स कोई नहीं देता था, क्योंकि उसमें खेती ही सर्वे सर्वा था, उत्तम खेती मध्यम भान नीच चक्री भीख निदान, खेती से बड़ा दूसरा कुछ था नहीं,
इसीलिए वैसे पैसा का उस समय कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए उस समय कोई राजा किसी राज्य से टैक्स नहीं लेता था। उसके बाद दुर्जन साल मुगल पीरियड में राजा हुआ आदिवासी समाज से ही। अब किसी कारण से किसी क्राइम को, साधारण क्राइम को लेकर के मुगल राजा ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके दिल्ली ले गया। वहाँ 8-9 साल तक दिल्ली का जेल में रहा। वहाँ जेल में रह करके वहाँ के राजा महाराजाओं का रहन सहन रुतबा को देखा तो माइंड उसका स्ट्राइक किया, हम भी तो राजा हैं, मेरा रहन सहन वैसा नहीं है, मेरा वैसा रुतबा नहीं है। जब वहाँ जेल से छूट के आया तो यहाँ के मुंडा मंडकी से टैक्स वसूलने लगा। बोला हम लोग तो टैक्स कभी दिया ही नहीं, अब टैक्स क्यों मांग रहे हैं। तब बाहर से लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्षत्रिय से, ब्राह्मण से, मुस्लिम से, उन लोगों को कहीं मुंडा बना दिया, कहीं जमींदार बना दिया। और उन लोगों के माध्यम से टैक्स वसूला और वो महल भी बना दिया रांची। तो उस बीच में सिंगरा बिंदरा जो दो भाई थे, कोई जमींदार बाहरी वाला, ठीक नाम याद नहीं कर रहे हैं, उसकी बहन को छेड़ दिया, रेप किया कहीं एक तरह से। तो इसी गुस्सा में सिंगरा बिंदरा मुंडा ने पहला कोलान विद्रोह, कोल इंसरेक्शन 1831-32 में शुरू किया। और उसका असर इधर भी हुआ और सरिंसिया घाटी में अंत हो गया। अगर वो क्या राजा दुर्जन शाह अगर बाहरी लोगों को नहीं लाता, यहाँ बाहरी लोग आते नहीं, या आदिवासी ही आदिवासी समाज का बड़ा दुश्मन हो गया। बाद में वो अपने को आदिवासी मानने से इनकार कर लिया, अपने को छात्री घोषित कर लिया, दुर्जन शाह महल बना लिया, रानसान उसका हाई हो गया, सोचा कि आदिवासी तो ऐसा रहता नहीं है, इसीलिए हम आदिवासी नहीं, अपने को आदिवासी मानने से इनकार। और वही अभी भी हो रहा है, यहाँ के हम लोग का जितना आदिवासी नेता लोग हैं, ये लोग आदिवासी समाज के दुश्मन। कोल इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ गुंडू तमाड़ से, अंत हुआ सिरिंसिया घाटी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार नहीं था। पोराहाट राजा घनश्याम सिंह ये कोल्हान के लोगों को अपने अधीन करना चाहा, नहीं करने सका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया, अगर कोल्हान के लोगों को हमारी अधीन करा दोगे तो सालाना जो नजराना मांगोगे सो हम देंगे, हमसे जो भी सालाना पैसा मांगोगे हम देंगे। तब मेजर रफसेजिया आया 1820 में, सबसे पहले अयोध्या पीर में आया, वहाँ कैंप किया, वहाँ कैंप करके राजा बादशाह ने मुंडा मानकियों के साथ मीटिंग किया, मीटिंग करके 5 पॉइंट एग्रीमेंट किया। नंबर 1 एग्रीमेंट, क्योंकि उस समय जमीन का तो कोई खतियान नहीं था, इसीलिए नंबर 1 एग्रीमेंट में समझौता हुआ कि पोराहाट राजा को प्रति वर्ष एक हल पीछे 8 आना पंचा देना है, 8 पंचा के नाम से प्रचलित हुआ। नंबर 2, उस समय तक कुरान के रास्ता से बाहरी आदमी आना जाना नहीं कर सकता था, बाहरी को जहाँ भी देखता था लोग मर्डर करता था, तो बाहरी लोगों के लिए रास्ता खोल देना है, 2 नंबर एग्रीमेंट। 3 नंबर एग्रीमेंट, अगर गांव वालों की सहमति बने तो गांव के पति जमीन पर बाहर के लोगों को बंदोबस्ती दी जाए, 3 एग्रीमेंट। 4 एग्रीमेंट, यहाँ के बच्चे गार्जियन चाहे तो हिंदी चाहे उड़िया पढ़ा सकता है, 4 हो गया। 5, राजा को 8 आना पंचा देने के बावजूद भी अगर राजा अत्याचार शोषण करेगा तो राजा के खिलाफ में हथियार नहीं उठाना है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपिटेंट अथॉरिटी चाईबासा में है उनके संज्ञान में लाना है। ये 5 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। लेकिन जब 4 पीर थे, पीर भरपुरिया पीर, लड़गढ़ पीर, आंवला पीर, अभी ब्लॉक हो गया, उसमें पीर था, तातनगर ब्लॉक, मंझारी ब्लॉक, कुमारडूंगी ब्लॉक, मझगांव ब्लॉक,
यहाँ के लोग आपस में बैठे कि जिस समय जल झाड़ जंगल हम लोग काट रहा था खेत खलिहान बनाने के लिए, क्या राजा आया या राजा का आदमी आकर के हम लोग को मदद किया? कोई आया ही नहीं। हम लोग झाड़ जंगल काट करके खेत खलिहान बना दिया, गांव बसा दिया, राजा कहाँ से पैदा हो गया? हम लोग राजा को नहीं मानते हैं, उसको आठ आना पंचा हम लोग नहीं देंगे। उसी विरोध में सेरेंसिया घाटी में आखिरी लड़ाई हुई। तो उस समय तक कैप्टन विल्किंसन और यहाँ डीसी थे टिकेल, दोनों ही यहाँ थे, और दोनों के नेतृत्व में ही सेरेंसिया घाटी में लड़ाई हुई फोटो सरकार सरदार के नेतृत्व में। लड़ाई खत्म, बहुत शोर में बताया, लड़ाई खत्म होने के बाद फोटो सरदार को तो फांसी की सजा दी गई 1 जनवरी 1838 को, लेकिन सेरेंसिया घाटी की लड़ाई की समाप्ति के बाद कैप्टन विल्किंसन और डीसी टिकेल का माइंड स्ट्राइक किया कि यहाँ के लोग स्वतंत्र प्रिय हैं, इन लोग किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। उसको ध्यान में रख करके 1838 में कोलान गवर्नमेंट ई स्टेट बनाया है, क्योंकि ये अभी भरवड़िया पीढ़ था, पीढ़ मजगांव और तातागर पीढ़ उस समय मयूरभंज राजा के अधीन था, इधर बिहार में नहीं था। क्योंकि हो बहुल क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, इसीलिए चार प्रखंड को चार पीढ़ को कर्व आउट करके कोलान गवर्नमेंट स्टेट में मिला लिया, और कोलान गवर्नमेंट स्टेट को एक थाना कोलान थाना के अंतर्गत रखा गया। और उस समय कोलान गवर्नमेंट स्टेट के अंतर्गत 622 गांव और 26 पीढ़ था। ये 622 गांव को एक सिरे से सिलसिले भर ढंग से नंबरिंग किया और वो थाना नंबर कह रहे हैं, एक्चुअली थाना नंबर नहीं, विलेज नंबर हो गया। हम लोग को CNT एक्ट के सेक्शन 46 से बरी कर दिया गया, क्योंकि सेक्शन 46 CNT एक्ट में एक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले लोग ही आपस में जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये प्रावधान है। लेकिन चूंकि हम लोग का कोलान थाना खतिया में जो थाना लिखा हुआ रहता है वो रेवन्यू थाना है, और तो ये थाना नंबर चूंकि विलेज नंबर है कोलान थाना के अंतर्गत, आज से 2-3 साल पहले तक हम लोग पुलिस स्टेशन के आधार पर खरीद बिक्री नहीं करते थे, थाना नंबर के आधार पर खरीद बिक्री करते थे। CNT एक्ट 46 से हम लोग को बरी कर दिया गया, और चूंकि आर्टिकल 13 में भी कस्टम यूसेज को प्रतिनिधित्व दी गई, उसी आधार पर हम लोग को पुलिस से बरी कर दिया गया। जब भाजपा सरकार आई उन्होंने पुलिस स्टेशन को थाना नंबर को ख़त्म करके पुलिस स्टेशन कर दिया, उसका कोई आदेश नहीं है, डिपार्टमेंट का भी कोई आदेश नहीं है, सरकारी आदेश भी नहीं है, भरवाली आदेश से या हम लोग को पुलिस स्टेशन के आधार पर जमीन खरीद बिक्री करने का कर दिया। अब कोलान गवर्नमेंट स्टेट में बना दिया, उसमें मुंडा मानकी को हुकूमनामा दिया कोलान गवर्नमेंट स्टेट बना करके, क्योंकि स्वतंत्र प्रिय है, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते, उसको ध्यान में रख करके। देखिए शासन व्यवस्था पूरे देश में दो ही है, एक तो सामंतवादी प्रथा राजा महाराजा और दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा शासन व्यवस्था तो है ही नहीं, लेकिन यह स्वतंत्र प्रियता को ध्यान में रख करके यहाँ के मुंडा मानकियों को कोलान गवर्नमेंट स्टेट के अंतर्गत जितना गांव है मुंडा मानकी है उन लोग को अपने अपने गांव का मालिकाना हक दे दिया है, उन्हीं लोग मालिक था। इसीलिए खतियान में हुकूमनामा में लिखा हुआ है गांव की पड़ती जमीन पर मुंडा ही बंदोबस्ती दे सकेंगे। मुंडा जब बंदोबस्ती देते थे, बंदोबस्ती से संबंधित कागज कोलान सुपरिंटेंडेंट के यहाँ भेजता था, और उसका अंतिम मोड़ होने के बाद उसका वही स्टेटस होता है जो सर्वे सेटलमेंट में खतियान बनता है, उसी के समकक्ष ये होता था।
अब ब्रिटिश पीरियड में 1913-14 में टाकी सेटलमेंट हुआ, सुने होंगे आप। टाकी सेटलमेंट में जो खतियान बना उसमें खेवट सिस्टम आया। खेवट माने मालिक, एक नंबर खेवट, खेवट नंबर वन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल, खेवट नंबर दो मानकी बाई नेम नोट बाई डिजाइन सर, खेवट नंबर तीन मुंडा मालिक। अब ब्रिटिश पीरियड में इंडिया के मालिक कौन थे? गवर्नर जनरल। तो कोलांस को गवर्नर जनरल के अधीन रखना चाहिए थे, उसके अधीन नहीं रखा है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल कौन थे? लंदन में रहते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडिया का सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे, मालिक नंबर वन वो थे। इसीलिए उस समय लोग बोलते थे हम लोग इंडिया के अधीन नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया के अधीन नहीं थे, हम लोग सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। ये लोग बोलते थे उस समय, मेरी समझ में नहीं आता क्या ये लोग पागल हो गए इस तरह की बात बोलते। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा और ये किताब देने वाले हमको फादर टोनी इंग्लैंड गए थे, वहाँ से किताब लेके आया ए लैंड ऑफ देयर ऑन, इसमें ये सब चीज़ का वर्णन है। इसीलिए जब केवट सिस्टम था यहाँ तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट को गांव में किसी को जमीन बंदोबस्ती देने का अधिकार था, सेंट्रल को भी नहीं था, स्टेट को भी नहीं था, जिला प्रशासन को भी नहीं था। यहाँ के जितने लोग जिस जमीन पर अभी खेती आबाद कर रहे हैं कोई सरकार या जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों बंदोबस्ती नहीं दी, मुंडा द्वारा ही दिया गया। इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या है, हर स्टेट में आपको भूमिहीन आदमी भरे पड़े हैं। कोलानी एक ऐसी जगह है जहाँ एक भी भूमिहीन आदमी नहीं है। यहाँ भूमिहीन किसको बोलते हैं? जिसको 5 एकड़ से कम जमीन है। अब यहाँ गलती क्या हुई, इसीलिए हम बोल रहे आदिवासी ही आदिवासी समाज के दुश्मन। जब 1962 में इलेक्शन हुआ उसमें मैक्सिमम MLA मुंडा मानकी खानदान से था, क्योंकि मुंडा लोगों को अपने गांव का मालिकाना कर दिया है। अच्छा 62-63 का सेटलमेंट ड्राइव को सरायकेला खरसवां जिला के दरभंगा के पब्लिक ने विरोध किया, हम लोग यहाँ सेटलमेंट नहीं होने देंगे, सेटलमेंट होगा तो हम लोग का खून खाती अधिकार छीना जाएगा, इसीलिए सेटलमेंट नहीं होने देंगे। बहुत जोर पब्लिक विरोध किया, उसका असर गुंडू तमाड़ में भी हो गया। पब्लिक के विरोध करने के चलते धर्मगा गुंडू तमाड़ में 63-64 में सेटलमेंट ड्राइव नहीं हुआ, इसीलिए खुटकाटी अधिकार वहाँ अभी भी यथावत बना हुआ है। यहाँ हम लोग का 62 में मुंडा मानकी परिवार से ज़्यादा MLA चुना गया, जिन लोगों को अपने अपने गाँव का मालिकाना मिला हुआ था, कोई MLA विरोध में नहीं कहा। MLA लोगों में ज़्यादा ताकत होती, वहाँ पब्लिक के कहने से सेटलमेंट ड्राइव कैंसिल हो गया। यहाँ MLA लोग कहते तो यहाँ भी ड्राइव नहीं, सेटलमेंट ड्राइव नहीं होता। अगर सेटलमेंट ड्राइव नहीं होता तो केवट सिस्टम अभी भी बरकरार रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो लोग विरोध नहीं किया तो 63-64 में जब सेटलमेंट ड्राइव हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट मुंडा मानकी से अपने अपने गाँव का मलिकाना को छीन लिया, छीन करके खतियान में अब क्या लिखा गया, प्रति जमीन पे अनाबाद बिहार सरकार, गैर मजरूआ आम गैर मजरूआ घास। ये सेटलमेंट होने के बाद अब डायरेक्ट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप गांव गांव में हो रहा है, जिला प्रशासन का हस्तक्षेप गांव गांव में हो रहा है। पहले जिला प्रशासन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इतना बड़ा पावर हम लोग कहाँ से छिनाएंगे, कौन लोग छिनवाए, हम आदिवासी लोग छिनवाए। शायद इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का भी का जगह फैसला है कि शेड्यूल एरिया में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को 1 इंच भूमि भी नहीं है, ये तो जानते हैं ना। ये सब चीज के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते।
यही बात आपकी बार मुख्यमंत्री से हम लोग बात किया, 40 मिनट समय दिया। हम लोग का खतिया में अभी भी थाना कोलान लिखा हुआ है, थाना नंबर लिखा हुआ है, विलेज नंबर। खतियान को हम लोग आधार मानेंगे कि CNT एक्ट के सेक्शन 46 को मानेंगे? थाना का नंबर होता है? पूछा, बोले किसी थाना का नंबर है तो हम लोग को बताइए। किसी भी थाना का नंबर नहीं, किसी भी थाना नंबर नहीं, विलेज नंबर है। पहले जब जैसे हम लोग खरीद बिक्री करते तो वैसे हम लोग को प्रसारित कर दीजिए। और पुलिस स्टेशन के आधार पर खरीद बिक्री का कोई आदेश गया है आपके यहाँ से? कोई डिपार्टमेंट की ओर से गया है? नहीं गया है। फिर हम लोग थाना नंबर के आधार पर खरीद बिक्री वाले, ये तो MLA को उठाना चाहिए था, हम लोग भीड़े हैं, हम भीड़े हैं। हाल की बात बता रहे हैं आप। विल्किंसन रूल को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, चैलेंज करने के बावजूद भी विल्किंसन रूल को जथा रूप में लागू करके आप कोलान में न्याय मंच बना दिया मुंडा मंकी के लिए। ये थाना नंबर और कोलान थाना को तो कोई चैलेंज नहीं किया गया है। जिसको चैलेंज नहीं किया गया उसको आप बंद किए हैं, और जिसको चैलेंज किया गया उसको आप लागू कर दिए हैं। और मुंडा मंकी को जो हुक्मनामा दिया गया अभी भी लिखा हुआ है, पति जमीन पर मुंडा को बंदोबस्ती देने का अधिकार है, तो लागू करा गया। बहुत सीरियस हमको है ना, क्योंकि खतियान में लेके गया था ना, खेवट वाला भी लेके गया था। देखिए खेवट सिस्टम ही था पहले, और अभी का खतियान ये है। हम तो सब चीज़ खतिया रखते हैं ना, वो भी ओरिजिनल। 40 मिनट का समय दिया ना हम लोग को, उसमें असेंबली भी चल रहा था, असेंबली के चैम्बर में ही हम उनसे बात किया, तो हाई कोर्ट के एडवोकेट को बुलाया, दूसरा सवाल कर दिया हमसे। अच्छा, ये कोलान में आप लोग महिलाओं को बपौती अच्छा संपत्ति का हिस्सा क्यों नहीं देते? हम लोग महिलाओं को नहीं देते हैं तो अभी मालूम है। अब बोला कहाँ हम लोग कोलान थाना के बारे में बात कर रहे हैं, कौन चीज मुद्दा आप उठा दिए? ऐसे मुद्दा उठा दिया तो इस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। बोला कि देखिए बिजनेस गैर आदिवासी समाज करता है, आजकल आदिवासी करने लगा है, लेकिन पहले तो आदिवासी बिजनेस नहीं करता था। ये कॉमर्स आप लोगों का है, बिजनेस आप लोगों का है। बिजनेस का नियम क्या है? जो खरीदार होता है खरीदा हुआ चीज़ को अपने पास लाता है। और आप लोगों का बिजनेस क्या है? दुल्हन खरीदती है दूल्हा को दहेज के रूप में, दुल्हन खरीदार है, दूल्हा खरीदा हुआ है, तो खरीदा हुआ खरीदार को कैसे ले आता है? आप लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का क्या ही नियम है? दूसरा, दहेज के लोभ में जिसे आप लोग शादी कर लेते हैं, वो दहेज से संतुष्ट नहीं उसको मर्डर कर देते हैं, फिर दूसरे शादी करते वहाँ भी दहेज लेते हैं, उससे भी संतुष्ट नहीं को होते हैं तो उसको मर्डर करते हैं, किसी शादी करते हैं। क्या ये हम लोग के समाज में भी, समाज में ही व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं? समाज में एक मानी कुशासन लाना चाहते हैं? हम लोग के समाज में क्या है? हम लोग तो दूल्हा देता है दुल्हन को, दूल्हा खरीदता है और दुल्हन क्रीता खरीदा हुआ, जो खरीदार होता है खरीदे हुआ चीज को लाने का अधिकार उसी को है। और दूसरा तो ये मैंने हिंदू समाज की तरह हम लोग का समाज में भी मैंने सिस्टम को अपनाना चाहते हैं क्या? और हम लोग महिलाओं को इसलिए नहीं देते हैं, हम लोग में अंग शुभम और खुटखाटी अधिकार, अंग वंश जिस वंश की जमीन है वह पीढ़ी दर पीढ़ी अंश रूप में उसी वंश में रहेगा। मान लिया बीरुआ अंश की जमीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके मेल पुत्र को ही अंश के रूप में जाएगा, दूसरा वंश में नहीं जाएगा। और जो अविवादित होती है उन लोग जब तक उन लोग जिंदा रहती है तब तक पैतृक संपत्ति का हिस्सा उन लोग को भी दिया जाता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकती है। ये हम लोग के समाज,
और आप लोगों के समाज में इतने मर्डर होते हैं इसी चलते, हम लोग का भी मर्डर कराना चाहते हैं क्या? साइलेंट होके चुप हो गया और उसके बाद आगे कुछ प्रश्न नहीं किया। बंगाल से बिहार को अलग करना, उन लोगों का नारा था, स्लोगन था, बिहार बिहारियों के लिए है, बंगालियों के लिए नहीं है। फिर भी बिहार में केवल बंगालियों को नौकरी मिलती है, बिहारियों को नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए बिहार तभी फ्लोरिश करेगा जब वो बंगाल से बिहार अलग होगा। और सचिदानंद सिन्हा, ये उनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था और उसी आंदोलन के फलस्वरूप संभवतः 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हो गया। उसी तर्ज पर बिहार से झारखंड को अलग किया गया। लेकिन अब जब ये नारा हम लोग यहाँ के बोलते हैं, झारखंड झारखंडियों के लिए है, बिहारियों के लिए नहीं है, तो उनका पेट में दर्द होता है। जिस नारा के बलबूते उन लोग बंगाल से अलग हुआ, उसी तर्ज पर अभी हम लोग नारा लगाते हैं, उन लोगों को पेट में दर्द होता है। झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं बना है। झारखंड बनने के बाद झारखंडियों को कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे आदिवासी हो या ओबीसी हो, मूलवासी हो, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, उन लोगों का शोषण अत्याचार हो रहा है। इसलिए एक विद्वान का कहना है, झारखंड इज मिंट पोर ABCD, नॉट पोर झारखंड इज। ए से आरा, बी से बलिया, सी से चपरा, डी से दरभंगा, इन लोगों के लिए झारखंड बना है, झारखंडियों के लिए नहीं। और सही में हम लोग देखते हैं यहाँ कंट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति करना है, सब बाहरी लोग कंट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त कर देते हैं। जितने ठेकेदार हैं सब बाहर के, ठेकेदारी में भी सब बाहरी लोगों को नियुक्त करते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसलिए बहुत सारे विद्वान लिखते हैं कि आर्टिकल वगैरह लिखते हैं कि झारखंड में झारखंडियों के लिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं है, झारखंड में उन लोगों के लिए डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन है, विकास विनाश है। जमशेदपुर पहले तो आदिवासी मूल बसी था, HEC, बोकारो और राउरकेला वहाँ तो आदिवासी OBC था, अभी उन लोगों का चेहरा नज़र भी नहीं आता। ये सब फैक्ट्री विकास के नाम पर बना, विकास तो यहाँ के लोगों के लिए नहीं हुआ, बाहरी लोगों के लिए विकास हुआ, यहाँ के लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन हुआ, विनाश हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, जिस जगह विशेष के लिए विकास के नाम पर जो फंड आता है, वह फंड यदि वहाँ के लोगों के लिए खर्च ना किया जाए, बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा खर्च हो, तो बाहर से आकर के जिन लोग विकास के नाम पर फंड खर्च करते हैं उन लोग होंगे बिल्ली, और जिनके लिए खर्च किए जाएंगे वो होंगे चूहा। चूहा कभी बिल्ली कभी चूहा का रक्षक नहीं है, भक्षक है। जितने सारे लोग तो भक्षक ही आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ सब चीज़ लुटा जाता है। झारखंड के नाम पर, मूल वासियों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर यहाँ हर चीज़ लुटा रहा है। सुबन रेखा प्रोजेक्ट अगर ये बनेगा तो 126 गांव जलमग्न होगा, पानी में डूब जाएगा। क्योंकि विकास नहीं, यहाँ के लोगों के विनाश के लिए हो रहा है ना। देखिए 25 अनुसूची जो यहाँ के लिए अलग से संविधान बना है, यहाँ जो भी योजना बनेगी शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए बनेगा। यहाँ ये सुबन रेखा पर कल्याण विकास के लिए कहाँ हो रहा है, उन लोगों को पानी में डुबाने के लिए हो रहा है। हमको तो बहुत अंदर से गुस्सा लगता है, इधर से गुड्स ट्रेन में जितना आयरन और लाद के ले जाता है ना, देख के हमको गुस्सा लगता है। ये हम लोगों की संपत्ति है, इससे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग इससे धनाढ्य होते जा रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। उसका कर्तव्य भी हम लोग, हम बताए ना, पहले तो यहाँ उत्तम खेती मध्यम बाल नीच चक्री भीख निदान, और पहले पैसा वालों को यहाँ मान सम्मान नहीं मिलता था,
संपन्न खेती में जिन लोग संपन्न है वो कहीं भी जाता था उसको मान सम्मान मिलता था। आदिवासी में दो है, ईसाई भी है ना आदिवासी भी। इन लोग जब क्राइम करता है इन लोगों को नक्सलवादी घोषित किया जाता है, और मुस्लिम में कोई क्राइम करता है उसको देशद्रोही। तो यही अंतर। और वो उन लोगों का जो समाज है उन लोग एक से एक क्रिमिनल है, उन लोगों को ना देशद्रोही बोला जाता है ना नक्सलवादी बोला जाता है। ये देन है भाजपा की। अभी जो कि ट्राइबल बेल्ट में सरना और इसे जो ही है आदिवासी में, कि दोनों जब क्राइम करता है या क्राइम भी नहीं करता जब पकड़ा जाता है उसको भी आरोप लगा देता है नक्सली। और जैसे जंगल के एरिया में जाते हैं रास्ता में किसी एक आदिवासी को पकड़ लेते हैं, पता है उसको पकड़ता है नक्सलवादी का आरोप में उसको गिरफ्तार करता है जेल में डाल देता है। ये मैंने आदिवासियों के साथ जितना अन्याय अत्याचार हो रहा है और कभी एकजुट होकर के इसका हम लोग विरोध नहीं कर पाते। आदिवासी में आपसी द्वेष ईर्ष्या द्वेष बहुत ज़्यादा है, और इस ईर्ष्या द्वेष के चलते कोई अच्छा आदमी भी अगर किसी आरोप में पकड़ा जाता है आपस में लोग क्या बोलते हैं, हाँ उसको ठीक किया अपने ऐसा है, ये सीधा सा बोलते हैं। इसीलिए बहुत बड़े विद्वान लोगों का कहना है कि विकसित समाज अर्ध विकसित पिछड़ा समाज में अंतर किया है। विकृत समाज के लोग उनके लोग जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं केवल अपने समाज से सरोकार नहीं रखते हैं, उनके समाज के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र विशेष से भी सरोकार रखते हैं। इसीलिए अगर नॉर्थ में कश्मीर में हिंदू समाज पर कुछ होता है उसका रिएक्शन दूसरे साउथ में केरल मद्रास में भी हो जाता है उस समाज में, लेकिन खास करके आदिवासी और पिछड़ा समाज उन लोग केवल अपने संबंधियों से संबंधित है, समाज से संबंधित नहीं है। अगर उनके संबंधी पर कहीं शोषण अत्याचार होता है तब उसको साथ देते हैं और आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनके जो अपने समाज के लोग हैं उन लोगों पर मैसाकर भी हो जाए उनके विरोध में कभी आवाज़ नहीं उठाते। ये विकसित समाज अर्ध विकसित पिछड़े समाज में यही अंतर है। और ये यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन घट रहा है 50%, आज़ादी के आसपास 50%, घटते घटते 24%, 2021 में अगर सेंसस हुआ होता तो और घटता, और अगला जब भी सेंसस होगा हो सकता है 20% से कम हो जाएंगे। तो हम आदिवासी होकर के आदिवासियों को इतनी बड़ी क्षति क्यों पहुँचा रहे। इसीलिए जो तभी दुर्जन साल की बात हम बोले ना, ये अब हम सभी दुर्जन साल बन रहे हैं, चाहे मंत्री हो MP हो MLA हो जो भी हो, हम सब दुर्जन साल बन रहे हैं, अपने पैरों पे कुड़ा नहीं मार, तो हम समाज को थोड़ी बचा सकते। खेती बहुत मुश्किल हो गया, पहले यहाँ गरीबी थी, पहले लोग अपने से काम मांगा करते थे, दो दिन से हम लोग का चूल्हा नहीं जला है, कुछ होने से भी काम दीजिए। लेकिन जब से 1 रुपया किलो चावल हो गया है गरीबी खत्म। अब उन लोग में अब तो गरीबी ख़त्म है, जो भी उन लोगों के घर में खेती से अनाज पैदा होता है खाते नहीं है, वो घर में रखा हुआ रहता है पुराना हो जाता है। तो अब गरीब लोग जो किसी के घर में कभी मेहनत करके अपना परिवार पालता था, अब उस परिवार के बारे में क्या सोचते। हम लोग काम कर रहे हैं जिसके चलते खा पी रहे हैं,
अगर हम लोग नहीं काम करते तो कंगाल हो जाते। ये भावना अभी गरीबों के दिल दिमाग में आया है, इसीलिए खेती चौपट हो रहा है। और खेती में लगा भी दीजिएगा, पहले जैसा लगन से काम नहीं करता है, फांकी बहुत मरता है, फांकी मरते हुए काम करता है। अगर उसमें थोड़ा कुछ बोल दीजिएगा, दूसरे दिन से अनाज छोड़ देगा। ये बहुत बुरा असर पड़ गया। कल्याणकारी योजना है, ये तो तारीफ़ काबिल है, इसमें दो मतें नहीं है। लेकिन जो जागरूक समाज है, ये कल्याणकारी योजना का लाभ उठा करके आगे बढ़ रहा है। अब जैसे बाहर से आए हुए हैं लोग मजदूरी करने, कहीं झोपड़ी वगैरह में रहते हैं लेकिन डेली उन लोग मजदूरी करने जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में खाना मिलता है, किताब मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, अब तो साइकिल भी देने लगा है, उसका हम लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन हम लोग देहात के खास करके आदिवासी परिवार इसका लोग फायदा नहीं उठाते। इतना सुविधा होने के बावजूद भी स्कूल कहाँ भेजते हैं, नहीं भेजते, आंगनबाड़ी भेजते हैं खाने के लिए, स्कूल भेजते हैं केवल मिड डे मील खाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। सरकारी स्कूल में पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने का मतलब बच्चों का लाइफ को बर्बाद करना है। आज जो प्राइवेट स्कूल है तो हर कोई हिम्मत तो नहीं कर सकेगा। अब यहाँ जो हम अपने पोता पोती सब को पढ़ाया डीएवी स्कूल में, प्रत्येक महीने फीस था उनका 1500 रुपये एक का, और जो मजदूरी करेगा महीना में 150-1500 भी नहीं कमाएगा, वैसे स्कूल में क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। ये बहुत आकाश पाताल का अंतर हो। और पहले चूंकि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होती थी, अब शिक्षक नहीं है। एक हाई स्कूल डुमरी हाई स्कूल में खाली 21 शिक्षक था हाई स्कूल में, अब बताइए बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ये सरकारी ये स्थिति है। ये आरएसएस बीजेपी सरकार क्या उन लोगों का स्कूल है भूल रहे हैं, वनवासी नहीं क्या स्कूल है, उन लोग बहुत हर जगह चलाया है ना, उन लोगों का स्कूल चले, वहाँ फी तो लेता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, फी लेता है। अपना स्कूल को चलाने के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षक देना बंद कर दिया, और बहुत जगह का स्कूल को ख़त्म भी कर दिया, मिडिल स्कूल को खत्म कर दिया। ये शिक्षक को चौपट कर दिया आरएसएस और भाजपा ने, शिक्षकों की नियुक्ति होती ही नहीं है, खाली वहाँ एक शिक्षक दो शिक्षक रहेगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा। अच्छा शिक्षक भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता, उन लोगों को इतना वर्कलोड दे दिया, डेली ऑफिस का दौरा करना पड़ता है, अब ऑफिस का चक्कर मारेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल चौपट, भाजपा सरकार का एक ही नारा है, मकसद है, नारा भी दे रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू हिंदुत्व के आधार पर, हिंदूवादी नारा के आधार पर, और इसीलिए सभा कोर्ट देना नहीं चाह रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला में कहा भी है आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट से भी लोग ऊपर जा रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसला का उल्लंघन करके ये सभा कोर्ट नहीं दे रहे। देखिए ब्रिटिश पीरियड में आदिवासियों को धर्म कोर्ट था, कभी एब्रोजिन्स एब्रोजिन्स आदि ट्राइबल, कभी हम जो क्या बोला था प्रकृति बात को एनिमीज एनिमिस्ट, ये सब धर्म कोड में दे दिया। ये 1881 से शुरू किया जाता, यार हम ठीक याद नहीं कर रहे हैं, 1881 या 71 से नहीं
ये उन्होंने धर्म कोड दिया था, पर 10 साल में सेंसस होता है। आज़ादी के बाद 1951 तक धर्म कोड था, भारत सरकार 1951 में दिया था, जनजाति, जनजाति धर्म या जनजाति करके दिया था। 51 के बाद तो ख़त्म कर दिया, अन्य कर दिया, अब अन्य को भी ख़त्म कर रहा है। अन्य को जब ख़त्म करेगा, जो छोड़ धर्म कोड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और जैन, ये छह जो धर्म है उसमें से किसी को भी हमें लिखना ही पड़ेगा, या तो हिंदू लिखेगा, ईसाई लिखेगा, मुस्लिम लिखेगा। ये सरकार की बदमाशी है, जबकि संविधान स्पष्ट करता है आर्टिकल 25 में, जिसको जिस धर्म पर विश्वास आस्था है उसको मानने का, उस पर आस्था रखने का पूर्ण अधिकार है, संविधानिक अधिकार है। जिसको जिस धर्म पर विश्वास आस्था है उस धर्म का प्रचार प्रचार करने का मौलिक अधिकार है, ये तो दिया है। लेकिन अभी कोई अगर धर्म का प्रचार करता है उसमें अब धर्मांतरण बिल ले आया ना, तो संविधान के खिलाफ धर्मांतरण बिल ले आया आर्टिकल 25 के तहत। जब संविधान कहता है कि उसमें आज़ादी हर किसी की, जो भी धर्म माने उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं, तो संविधान में इस तरह का प्रावधान होने के बावजूद भी धर्मांतरण बिल लाने की क्या जरूरत है? अगर मुस्लिम के साथ कुछ होता है तो उसको लगा देता है लव जिहाद, और ईसाई के साथ कुछ होता है धर्मांतरण, ये तो दो ही पर लागू है, ईसाई और मुस्लिम पर। अब कोई आदिवासी अगर हिंदू धर्म में चला जाता है वहाँ धर्मांतरण लागू क्यों नहीं लागू होगा? तो सब पर लागू होना चाहिए। परंपरा में वो सोसाइटी सबसे अभी एक नंबर में है, बाकी तो थोड़ा सेमी हिंदुइज्ड भी हो गया, संथाल उरांव ये सब सेमी हिंदुइज्ड हो गया, और ये सरदार लोग तो मोटा मोटी हिंदू हो गया। इसलिए कि हो समाज बाहरी समाज से बहुत बाद में संपर्क में आया, बाकी समाज पहले संपर्क में था, जैसे रांची के मुंडा हो रहा हूँ, इधर बंगाल के सरदार लोग बहुत पहले से दूसरों के संपर्क में था। इसीलिए हो समाज के लोग बहुत कम मंदिर जाते हैं, मुंडा समाज उरांव समाज ये लोग मंदिर भी जाते हैं, इसीलिए उसको सेमी हिंदुइज्ड भी बोलते हैं। पेशा को भी सबसे पहले उन्होंने हाईलाइट किया, शुरू में लोग पेशा को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ रहे थे, लेकिन फादर स्टर्न जगह जगह मीटिंग भी किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, पेशा पर उन्होंने लिखा। समता जजमेंट को भी बहुत गहराई से फादर स्टर्न ही स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसके संक्षिप्त में एक बुक भी प्रिंट कर दिया था, अब बुक का नाम भूल रहे हैं, मेरे पास है, उसमें उसको प्रिंट भी कर दिया। उसी संदर्भ में हम एक बार सरकार को निरुत्तर कर दिया, जब झारखंड का पहला TAC में हमको TAC का सदस्य बनाया गया, तो समता जजमेंट के आधार पर हमने सवाल उठाया कि शेड्यूल एरिया में ट्राइबल कोऑपरेटिव को छोड़कर किसी बाहरी को खनन पट्टा नहीं देना है, अगर ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनना है, ट्राइबल की ओर से खनन पट्टा के लिए एप्लीकेशन नहीं पड़ा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो कमेटी है, टॉप लेवल की कमेटी, वह फैसला करेगा इस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। तो मुख्यमंत्री को से हमको जवाब दिया गया है कि इसकी कमेटी हम गठन कर देते हैं। उसके 6 महीना बाद जब बैठक हुई, उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, तो हमने सवाल उठा दिया, जो टॉप लेवल की कमेटी बनी है समता जजमेंट को लेकर के, टॉप लेवल की कमेटी ने क्या फैसला लिया, अब तक कितना ट्राइबल को खनन पट्टा दिया है,
लेडी थी डेवलपमेंट कमिश्नर, तो मुख्यमंत्री राजन मुंडा ने कहा मैडम जवाब दीजिए। वो जवाब देना शुरू कर दिया, नहीं हम लोग स्टडी कर रहे हैं सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के आलोक में समता जजमेंट कहाँ तक अप्लीकेबल है। हम बोले मैडम लगता है आप समता जजमेंट नहीं पढ़ी। समता जजमेंट का दूर दूर तक रिश्ता एसपीटी सीएनटी एक्ट से नहीं है, समता जजमेंट का रिश्ता पश्चिमी अनुसूची से। तो यहाँ आप कैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट को ले आए, इसका मतलब आप पढ़ी नहीं है समता जजमेंट। अब जब समता जजमेंट पढ़ी नहीं है तो आप क्या जजमेंट दे सकती है, निरुत्तर हो गई है। वो जो बुकलेट निकाले हैं ना, हम साथ में लेके गया, उसको पढ़ के सुना दिया। चार पॉइंट है ना, चार पॉइंट वहाँ पढ़ के सुना दिया, यही है समता जजमेंट मैडम। अब जानेंगे नहीं तो क्या फैसला दे सकेगी, नहीं आप क्या दे सकती है। चुप हो गए, एक शब्द भी नहीं। उसमें ये उनका जो किताब है फादर स्टेन का, बहुत बड़ा हथियार के रूप में काम किया है। जब पेशा को अंतिम रूप दिया जा रहा था, उस समय थ्री दिवसीय मीटिंग हुई थी रांची में। उसमें किसी एमएलए एक्स एमएलए को नहीं बुलाया, केवल हमको अकेले बुलाया गया। उसमें बालूघाट को हम ग्राम सभा में जुड़वा दिया। पेशा में माइनर मिनरल्स को तो ग्राम सभा के अधीन कर दिया ना, तो बालू भी तो माइनर मिनरल्स है, इसको ग्राम सभा के अधीन क्यों नहीं रखा जाएगा, रखा गया। डीएमटी फंड तभी हम आपको बताया था नियमावली में जो कहा है, ग्राम सभा से सलाह ग्राम सभा की सहमति के बाद करना है, तो डीएमटी फंड भी ग्राम सभा से संबंधित है, इसको भी उसका अधीन डाल दीजिए। दोनों बालूघाट और डीएमटी फंड को ग्राम सभा के अधीन रखा गया। जो कॉपी फाइनल हो गया कॉपी हमको दिया भी दिया, लेकिन अब कोई एमएलए इस बात को उठाता नहीं है। जब नियमावली बन गया तो उसको नोटिफाई कीजिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक नियमावली लागू नहीं होगा। बड़े लोग ही सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा देश का गद्दार है, छोटे लोग नहीं। अडानी अंबानी उसी तरह से, अब जितने आईएएस हैं आईपीएस हैं सब बड़े समाज के हैं, और उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा देश को लूट रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन ज्ञानी नहीं, ना संविधान की जानकारी है, ना यहाँ का एक से संबंधित मामले को जानते हैं, या जो यहाँ के लिए सरकार ने नीति बनाया है इसकी कोई जानकारी नहीं। और जानकारी का अभाव में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों को एमपी मिनिस्टर लोगों को मिसगाइड करते हैं। उन लोग जो सजेस्ट करते हैं, उन लोग जो ड्राफ्ट बनाते हैं उस पर बिना सोचे समझे आँख मूंद के सिग्नेचर करते हैं। इसीलिए झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो रही है। यहाँ से हम लोग के यहाँ से जो भी एमएलए एमपी बनते हैं, वो लोग मिनिस्टर होते हैं, स्टाफ पीए पीएस अपने लोगों को नहीं रखते, बिहार के यूपी के लोगों को पीए पीएस बनाते हैं, और उन्हीं लोग यहाँ के एमएलए मिनिस्टर लोगों को मिसगाइड करते हैं। उसमें हम तारीफ करेंगे महतो लोगों का, कुर्मी लोगों का। उन लोग जब कोई मिनिस्टर बनता है तो अपने कुर्मी महतो से ही पीएफपीएस रखते हैं, उन लोग कभी मिसगाइड नहीं होते। और हम लोग का आदिवासी चाहे मुंडा हो संताल हो उरांव हो कोई भी हो, मैंने स्टाफ अपना स्टाफ बाहरी लोगों को बाहर के लोगों को रखते हैं और उन लोग मिसगाइड कर देते हैं। इसीलिए यहाँ जो सरकार भी बनती है यहाँ के हित में काम नहीं करती, उन लोग जो सुझाव देता है उसी का नाम। हम अपना एरिया के लोगों को छोड़ करके बाहर का किसी भी स्टाफ को हमने नहीं रखा,
पीए पीएस पीओन चपरासी सब अपने ही क्षेत्र को हमने क्षेत्र के लोगों को रखा, बाहर के लोगों को नहीं रखा। काली जब डिप्टी स्पीकर थे तब उसमें दो बाहर का आदमी था, वहाँ का तो नियम था क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को जिन लोग जानेंगे उन्हीं में से दो स्टाफ डिप्टी स्पीकर के साथ रहेंगे, क्योंकि बाहर से लेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को नहीं जानेंगे, इसीलिए दो स्टाफ असेंबली का होना अनिवार्य जरूरी। तब हम असेंबली से दो स्टाफ रखे थे, लेकिन बाकी जितना स्टाफ है सब अपने यहाँ के लोगों को हम रखें। एक्सेप्शन में हम ही आते हैं कि हम अपने लोगों को रखा, कभी बाहरी लोगों को हम स्टाफ में नहीं रखे। आदिवासी पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, हंडिया दारू पर बिकने वाले हैं, इसीलिए बाहरी लोग गैर आदिवासी क्या बोलते हैं, आदिवासी एक मटका हंडिया में बिकता है, तो बात भी सही है। अच्छा, अब पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा दलाली करने लगे आदिवासी समाज को क्षति पहुंचाने के लिए, पढ़े लिखे लोग ही दलाली करने लगे। अब बताइए, यहाँ रुंटा नदी किनारे जो कैप्चर किया है, शुरू में मुंडा मनकी संघ एमएलए एमपी सब ने विरोध किया, ये तो आपको पता है, लेकिन चढ़वा कुछ दिया तो सारा एमएलए एमपी मुंडा मनकी उसके पक्ष में कैप्चर कर दिया। यहाँ के लोगों को नौकरी कहाँ दे रहा है, उड़ीसा के लोगों को मैक्सिमम में नौकरी दिया, जिसकी जमीन पर आप कुछ करते हैं वहाँ के लोगों का तो ख्याल रखना होगा ना। अब बिहार का जो फैक्ट्री है माइंस है, क्या बिहार से बाहर के लोगों को वहाँ नौकरी दी जाती है, किसी एक को भी नहीं। जो नियोजन नीति बनाया है 40-60, बाहरी लोगों को 40%, स्थानीय लोगों को 60%, जबकि शायद तभी हम लोग बात किए थे डोमिसाइल पॉलिसी जो डिफाइंड है, स्थानीयता का आधार जिला को माना जाए वंशगत भू अभिलेख के आधार पर, वंशगत भू अभिलेख सेटलमेंट ड्राइव में जो खतियान बनता है वंशगत है, बाद में जमीन खरीदते हैं म्यूटेशन कराते हैं वंशगत नहीं है, तो वंशगत खतियान में जिन लोगों का नाम है जिस परिवार का नाम है वो परिवार के लोग ही स्थायी निवासी होते हैं, और इसी पर आधारित हर स्टेट का डोमिसाइल पॉलिसी है, उड़ीसा बिहार बंगाल कहीं भी किसी भी स्टेट में जाइएगा इसी पर आधारित है, यहाँ क्यों ऐसा नहीं करता। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला किया है पिछली अनुसूची के आधार पर, पिछली अनुसूची में केवल आदिवासी शब्द आया है, इसीलिए शेड्यूल एरिया की जमीन वहाँ के लोगों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है शेड्यूल एरिया की जमीन बाहरी लोगों को अलॉट करने का। अगर प्रोहिबिशन के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट बाहरी लोगों को जमीन देगा तो बाहरी लोगों का जमबाड़ा होगा, और एक दिन उन लोग अपना मोनोपोली क्रिएट करेगा, और मोनोपोली क्रिएट करके वहाँ से शेड्यूल एरिया से आदिवासियों को मार भगाएगा, वो तो उसका जीता जगता उदाहरण है। अब जो रघुवर दास के समय में आरडी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, उसको वर्तमान सरकार भी हिंदी में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया है, उस पर शायद हम लोग बात किए थे ना। ये 23 मार्च 2022 को सेशन झारखंड असेंबली सेशन का आखिरी दिन ये पारित हुआ। इसमें क्या प्रावधान है कि शहर से 10 किलोमीटर रेडियस को शहरीकरण को बढ़ावा देना, 10 किलोमीटर रेडियस में शहरीकरण को बढ़ावा देना है। अब CNT एक्ट के अनुसार आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को नहीं जा सकता, इसलिए जो भी पूंजीपति कॉरपोरेट जगत जिसको 10 किलोमीटर रेडियस में अपना कुछ कारोबार चलाना है
तो जमीन मालिक से सीधे कंटेक्ट करेगा और कंटेक्ट करके समझौता करेगा। समझौता में जमीन आदिवासी के नाम से ही रहेगा, समझौता में गैर आदिवासी के नाम से नहीं जाएगा। इस तरह किसान लोगों के वहाँ के लोगों के कंटेक्ट करके, उन लोगों के साथ कंटेक्ट करके एग्रीमेंट में जितना जमीन का कलेक्शन होगा, उस कलेक्टेड जमीन को एक टर्म में क्या कहा है, लैंड पुली। जैसे यहाँ तांबो चौक, यहाँ आदिवासी लोग एक से ही दुकान किया है। अब ये मेंटेलिटी आ रहा है आदिवासी में, जैसे मरवाड़ी लोगों में है ना, कि ये मरवाड़ी लोग अगर मरवाड़ी दुकान है, मरवाड़ी दुकान छोड़ के दूसरी दुकान से नहीं खरीदते। अब वो आसपास के आदिवासियों में भी ये मेंटेलिटी आ रहा है, हम आदिवासी हैं तो आदिवासी दुकान से ही खरीदें। जिसमें ये मेंटेलिटी आएगा, बिजनेस में आकर आदमी बहुत आगे बढ़ेगा। और ये मेंटेलिटी आना भी चाहिए, क्योंकि उन लोग से हम ही लोग खरीदते हैं, ठगता भी बहुत है, और उसी से हम लोग बराबर हो रहे हैं। मैंने अब पैसा का वैल्यू को यहाँ के लोग समझा, देखिए जमाना के हिसाब से उसको अब अच्छा ही करना होगा। अब पैसा के बिना तो कोई मान सम्मान नहीं है, इसीलिए समाज में स्थान बनाने के लिए पैसा तो कमाना ही होगा। पहले के लोग भी हम लोग का आदमी, सारी लोगों के संपर्क में आने से अपने को बर्बाद किया, संस्कृति को भूल रहे हैं, परंपरा को भूल रहे हैं। और आजकल के युवा पीढ़ी तो और ज़्यादा बर्बाद हो रहे, खास करके संपन्न घर के लोग, जिन लोगों को कोई अभाव नहीं है, और घर से पैसा मिलता है ना पॉकेट खर्च के लिए, जितना मंगा उतना मिल जाता है, और उससे आजकल के संपन्न परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। गरीब परिवार के बच्चे ठीक हो रहे हैं। जो कभी संघर्ष नहीं करता अपनी लाइफ में, वो तरक्की किया है, डेवलपमेंट किया है, उनका दिमाग में नहीं आएगा। खाली खाओ पियो मौज करो, ये उन लोगों के दिमाग में रहता है। पहले चोरी डकैती थी ही नहीं, और छेड़ा छेड़ी भी नहीं हुआ करता था। 12 बजे रात में भी कोई अकेली लड़की अगर कहीं निकलती हो जाती हो, कोई छेड़ने वाला नहीं। अगर किसी गांव में वो अकेली लड़की किसी गांव में किसी घर घुस जाती है पनाह पाने के लिए, शरण लेने के लिए, खुशी उसको शरण दिया जाता है, रात में खाना भी खिला दिया जाता है, और दूसरे दिन सवेरे निकल जाती है। यहाँ का इतना बढ़िया सिस्टम था, लेकिन अब बाहरी समाज के संपर्क में आकर यहाँ का भी चरित्र खराब हो रहा। अब यहाँ भी रेप वगैरह होने लगा है, पहले यहाँ लोग रेप करना तो सुनते ही नहीं था। बचपन में हम याद करते हैं, बुजुर्ग लोग हम लोग को बोलता था, माघे पर्व तो हम लोग का फ्री है, माघे पर्व का मतलब आनंद उठाना, लुप्त उठाना, मैंने महिलाओं के साथ मैं हंसी मजाक करना ही माघे पर्व। तो कहीं अगर छोटी नाबालिग लड़कियों से हमको लोग मजाक करना चाहेंगे तो बुजुर्ग लोग मना करते, नहीं अभी तैयार नहीं हुई है, इसके साथ मजाक नहीं करते, देखो वो उधर है जाऊँ वहाँ उसके साथ मजाक, ऐसा बुजुर्ग लोग हम लोग को गाइड करता था। लेकिन आज बुजुर्ग लोग गलत काम करने लगे, उन्हीं लोग रेप कर रहे, मेरे कैसे परिवर्तन आ गया समाज में। यानी बाहरी समाज के संपर्क में आकर के हम लोगों का भी मेंटेलिटी खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया। यहाँ गांव में जिधर महिलाएं सवेरे वो पैखाना करने के लिए जाती है, उधर मर्द नहीं जाता है। गांव के लोग मर्द जानता है कि उधर महिलाएं जाती है, इसलिए उधर नहीं जाती, और जिधर मर्द जाता है उधर महिलाएं नहीं जाती। और तालाब वगैरह में भी जहाँ महिलाएं स्नान करती हैं मगर नहीं जाता, कितनी बड़ी चीज। और हम तो अपनी आंखों से देखा,
पटना से कई बार बैरूत हम आए तो आड़ी के नीचे महिलाएं बैठी हुई है, पैखाने कर रही है और आड़ी से मर्द जा रहा है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, यहाँ ऐसा नहीं। अच्छा, पहले यहाँ मर्द भी कहीं लघु संघ का करता, पेशाब करता, जब तक बॉडीली अपने को नहीं छिपा लेता है तब तक कोई पेशाब नहीं करता। सबसे आप नहीं देखेंगे, लेकिन अभी जनसंख्या बहुत बढ़ गई, जगह जगह झाड़ी जाल झाड़ कटा गया है, इसीलिए अगर अपने को नहीं भी छिपा सकता है, नज़दीक में नहीं करेगा, दूर में जाकर करेगा। बाकी समाज में हम बिहार साइड के समाज में हमने देखा कि महिलाएं बैठी है आड़ी के नीचे पैखाना कर रही है और आड़ी से मर्द लोग जा रहे हैं। अब ऐसा देखिए चरित्र का हम लोग का ऐसा पतन हो गया कि बेटी को कोई छेड़ रहा है, बाप उसको बचाने जाता है तो बाप को ही मदद कर देता, भाई बहन को बचाने के लिए कोई छेड़ता है बचा देता है भाई को ही मदद कर देता है, घर में घुस जाता है माँ को बंधक बना करके माँ के सामने रेप कर रहा है। एक तो समाज हो गया हम लोग का। देखिए भाषा एक है, मुंडा भाषा हो भाषा एक है, हो भाषा सरलीकरण की ओर गया है। जैसे मुंडा में मानव को होड़ो बोलते हैं, हो में होड़ो को सरलीकरण करके हो कर दिया, मुंडा में घर को ओड़ा बोलते हैं, हो में उसको सरलीकरण करके वा बोल दिया है, मुंडा में लड़की को कुड़ी बोलते हैं, हो में सरलीकरण करके कोई कर दिया। भाषा एक ही है लेकिन इधर सरलीकरण की ओर गया। आदिवासी भाषा को हर कोई सही रूप में प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, इसीलिए जब रांची से इधर आते हैं, एक जगह बिंदा है, एक्चुअली बिंदा नहीं बिंदा है, फिर इधर घाटी से नीचे उतरते ही जगह शारदा है, शारदा नहीं शारदा है, ये जगह लोरदा है, लोरदा लोरदा नहीं है। अब जैसे इधर बड़ा बम्बू स्टेशन के बगल में एक गाँव है चाचा, उसको लिख देते हैं चाचा। टाटा जाते हैं एक जगह कुदादा गांव का नाम, लेकिन लिख देते हैं कुदादा, आज तक आना थोड़ा। देखिए आदिवासी भाषा में हलंत अर्धवर्ण विसर्ग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और विसर्ग का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ जाता है। जैसे लोरदा, दो में आकर नहीं करके वो विसर्ग कर देते तो लोरदा हो जाता, उसी तरह कुदादा दो में विसर्ग कुदादा हो जाता है। ये सब अब हम लोग अपने भी लिख नहीं पा रहे। जैसे कोड़ा, मधु कोड़ा लिख देता है, कोड़ा मधु चाबू, तो हम लोग अपने नहीं लिख पा रहे तो दूसरे लोग कैसे सही रूप में लिख सकेंगे। हम इसी पर ज़्यादा जोर दिए हैं वगैरह। देखिए संस्कृत भी कभी डायलॉग डायलेक्ट थी, बोली थी। सबसे पहले क्या नाम बोल रहे हैं, संस्कृत में ग्रामर लिखा पाणिनि, पाणिनि के बाद और एक ग्रामर लिखा, दो आदमी ग्रामर लिखा, तब संस्कृत में मानकीकरण हुआ। इसीलिए पहले के धर्म ग्रंथों में भाषा में समानता नहीं, लेकिन पढ़नी और एक दोनों होने के बाद संस्कृत में मानकीकरण हुआ है और एक रूपता भाषा में आई। हिंदी कोई लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले, आज जो हम लोग हिंदी बोलते हैं वो हिंदी तो उस समय नहीं बोलते थे,
समय का देवनागरी में लिखी हुई किताब मेरे पास है, इसको आप ठीक से पढ़ भी नहीं सके, ये पढ़ने के बाद भी ठीक से आप तो नहीं समझ सकते, लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद देवी जी उसको खड़ी बोली के रूप में किया और वो यहाँ भी प्रचलित है। कहने का मतलब है भारत की जितनी भाषा है प्रकृत और अभ्रंश काल से गुजरी है, 12वीं शताब्दी के बाद भारत की सभी भाषाएं वर्तमान स्वरूप में आया है, उसके पहले अभ्रंश और प्रकृत से गुजरा है, लेकिन आदिवासी भाषा ही ऐसा है जो शुरू में जिस तरह थी उसी तरह की भाषा अभी भी है। अब उल्टा पढ़े लिखे समाज में और समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा को शुद्ध रूप में बोल पाते हैं, अनपढ़ लोग शुद्ध रूप नहीं बोल पाते, आदिवासी समाज में उल्टा है, अनपढ़ लोग अपनी भाषा शुद्ध रूप में बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग शुद्ध रूप में नहीं बोलते। देखिए हम तो पॉलिटिशियन हैं, भाषा के प्रति रुझान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पढ़ा, वर्ल्ड का 7 या 8 यूनिवर्सिटी मिल के बनाया है, उसमें एक सेंटेंस आया कि द एस्ट्रो एस्टेटिक लैंग्वेज आर अल्सो ए सोर्स सम बोरिंग इनटू द आर्यन लैंग्वेज, तब हमारा जिज्ञासा भाषा की ओर गया, कैसे इस तरह से लिखा गया है। तब हम जब डीप में गया तब हमने पाया कि संस्कृत की तरह यहाँ का आदिवासी भाषा मुंडा हो संताल जो भी ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें 3 वचन है, और ये बीसी की भाषा है, संस्कृत भाषा पहले की भाषा है। हम इसी में इसलिए भी मेरा ध्यान गया है क्योंकि जो आज लोग अपना धर्म पुस्तक जो लिखते हैं उसमें लोग स्पष्ट लिखे हैं कि कोई भी जाति समुदाय कहीं अगर माइग्रेट करता है तो अपने साथ भाषा धर्म और संस्कृति को लेके जाते हैं। अब राइट या रोंग जो मैंने पढ़ा, आज विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, ईरान ऑस्ट्रेलिया साइड से आए हैं, जब वहाँ से आए हैं जो अब किताब में जो पढ़ने को मिलता है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, ये आर्य समाज का जिसको महापंडित बोलते हैं उसका नाम से आप भी वाकिफ होंगे, महापंडित राउल संस्कृतियान, उन्होंने किताब लिखी है बुलगा से गंगा। नेहरू जब पीएम थे वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उससे से और भी बहुत से विद्वान लोग लिखे हैं कि आर्य विदेशी हैं बाहर से आए हैं। तो उन लोग जो लिखते हैं अपनी किताब में कहीं भी कोई माइग्रेट करता है तो अपने साथ भाषा संस्कृति और धर्म को लेके जाते हैं, तो उधर से जो आए हैं वहाँ की भाषा और धर्म कहाँ गया, सवाल पहले मैंने ये उठाया। इसीलिए भाषा यहाँ 3 वचन है, संस्कृत में 3 वचन है, जो भाषा को अपनाया बोलता है ना, एडॉप्ट किया है, उधार लिया है, तो संस्कृत तो बाद की भाषा है, तो इसमें 3 वचन है और आदिवासी भाषा में 3 वचन, और आदिवासी भाषा में लकार है, संस्कृत भाषा में भी लकार है। तब हम बहुत जब डीप स्टडी किया तो सचमुच आदिवासी भाषा में आदिवासी भाषा सटीक है, शब्द चित्रित है, वैसी भाषा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट होता है, जैसे एक उदाहरण और हम कहेंगे फेंको, फेंकना, और हम लोग उसको 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं, किसी को ऐसे हाथ में पकड़ करके फेंकते हैं उसको बोलते हैं तैर, कोई पत्थर को पकड़ा फेंक दिया तो तैर हो गया, और अब हिंदी में तो फेंक नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा है, अब कोई लंबा वाला फेंका, हम लोग अगर सीधा चला जाता है तीर की तरह तो उसको बोलते हैं सौर,
तीर की जगह जाता है, अगर फेंक देते हैं तीर की तरह सीधा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉट। और जब फेंकते हैं उलट पुलट करके ऐसे लुढ़कते हुए जाता है तो उसको बोलते हैं गोरिल्ला। इसी तरह से हर शब्द का सटीक अर्थ, तभी हम कटना का तो बताया ही था, उसी तरह हर चीज में इसका सटीक अर्थ है। वैसा वर्ल्ड के किसी भी भाषा में नहीं, किसी भी भाषा में निर्जीव बोधक और सजीव बोधक ना तो क्रिया है, ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है, लेकिन ट्रैवल भाषा में है। संज्ञा भी निर्जीव, सजीव बोधक, क्रिया भी और सर्वनाम भी, वैसा वर्ल्ड के किसी भाषा में नहीं। सत्यम शिवम शूद्रम, इसका अर्थ लेते हैं तुम ही सत्य हो, तुम ही शिव हो, तुम ही सुंदर हो। सत्यम का संधि विच्छेद हिंदी में कैसा करते हैं, सत्य हलंत जोड़ आयम, आयम मने यह, तो यह सत्य होना चाहिए, तुम कहाँ से आया, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ की भाषा में अगर सत्यम का संधि विच्छेद करेंगे, हमने तो पहले आपको कहा कि यह ट्राइबल लैंग्वेज में सर्वनाम की संधि होती है, वर्ण की संधि नहीं होती है। जैसे विद्या जोड़ आला है, या ओ ओ एक में तो आकार हो गया, एक खत्म हो गया, या वर्ण की संधि हो गई है, लेकिन आदिवासी लैंग्वेज में सर्वनाम की संधि होती है। सत्य जोड़ अम, सत्य हलंत जोड़ अम, अम मने तुम, और कितना बढ़िया संधि भी हुआ, सत्य हलंत जोड़ आयम, वो तो गलत हो गया, लेकिन सत्य हलंत जोड़ अम बिल्कुल सटीक संधि है, अम माने तुम, ठीक है। उसी तरह सत्य अम, शिव अम, सुंदर अम, तुम ही सत्य, तुम ही सुंदर, तुम ही सत्य हो, ठीक है। ये आदिवासी लैंग्वेज में बहुत अच्छा एक उदाहरण। और आप बोध गया गए, बोध गया नीचे क्या बोलते हैं उसको, म्यूजियम, म्यूजियम जब जाएंगे टिकट लेता है और प्रवेश करने लगेंगे तो उसका काउंटर पार्ट आपको फाड़ के देता है, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, दीनम हयोति सुनी हता, और उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, दान में दिया हुआ ही सुरक्षित रहता है। हम आप ही से पूछते हैं, दीनम हयोति सुनी हता, तीन शब्द है, तीनों शब्द में से किसी भी शब्द का अर्थ ना तो दान होता है, ना तो सुरक्षा होता है, फिर उसका अर्थ कैसे ऐसे हो गया, दान में दिया हुआ ही सुरक्षित रहता है। अब यहाँ की भाषा में, यहाँ की भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन में दीनम हयोति सुनी हतम, यहाँ की भाषा को प्रोनाउंसिएशन में दीजिएगा, दीनम दिनगेम हयोति हयति सुनी हतम, दिनगेम हयाति सुनी हतन, दिन मने रोज, दिनगेम हयाति मने चाहना, और सुनी हतन, हतन हम इसको बोलते हैं, मतलब पहुंचा हुआ, चाहे भगवान हो या पहुंचा हुआ विद्वान को हर दिन हर कोई चाहते हैं, दिनगेम हयाति सुनी हतन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहाड़ के ऊपर आप गए हैं, बोध गया जहाँ वो जैन मंदिर सुने, बौद्ध मंदिर के सिंह द्वार में लिखा हुआ है, उसको आपने मार किया है, नमो मेयो हो रेगे क्यों, ये लिखा हुआ मार किया आप, नहीं, नमो मेयो हो रेगे क्यों, ये लिखा हुआ है। हम वाइफ सबको लेके गया था एक बार, जब वो लोग ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग ले कर रही थी भागलपुर में, हमारी वाइफ अपने सहेलियों के साथ पटना गई, बोले तो हम लोग आए कहीं घुमाइए, हम उन लोगों को ले गया बोध गया, और जब वहाँ पहुँचे बोले जैसा लिखा हुआ उसको हु बहू नोट करो, नोट किया हु बहू, गर्मी का दिन था, पेड़ के नीचे हम लोग बैठे, हमका जो नोट किया उसका तो बताओ, तो कैसे बताएंगे, बोला हम लोग का आदिवासी प्रोनाउंसिएशन में उसको पढ़ो,
नमो मेयो हो रेगे क्यो, नमो माने मिल नमो मेया हो रेगे क्यो, यहाँ का सरली भाषा में हुआ, यहाँ के भाषा में नमो माने मिलना, हो रेगे माने आदमी में ही, मिलो क्यों। संस्कृत में एक श्लोक है, अचरम शब्दम शब्दम ब्रह्म, आवाज ही भगवान है ना, या क्यों आवाज हुआ। तो बोलने लगी कि क्यों का तो आप तो हम लोग नहीं समझ रहे, तो दिमाग लगाओ, मुर्गा को थोड़ा छेड़ दो तो आवाज क्या होता है, क्यों आवाज हुआ। इसीलिए भगवान को हम लोग मुर्गा पूजा करते हैं, माने क्यों माने आवाज, आवाज माने भगवान, यानी इसका अर्थ हो गया मानव शरीर में ही भगवान का निवास है। अच्छा अब उस एक बार हम तो ले गया था विधानसभा लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरियन के पास, वो अपने को प्रकृति और संस्कृत भाषा का पंडित समझता था, ले गया हम तो इसका अर्थ बताइए नहीं बता नहीं सके। तो एक बार बाय रोड हम जा रहे थे पटना, रास्ते में पावा पूरी है, वहाँ हम घुसा, किताब एक लिया खरीदा, और उसी में हमको पढ़ते पढ़ते मिला कि भगवान का निवास मानव शरीर में, तो व्यवहार था हम निकाला। और आखिरी में एक बात कहेंगे, वारंग चीति हो भाषा की लिपि है, वारंग चीति रोमन स्क्रिप्ट की तरह इंडिपेंडेंट है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो हिंदुस्तान की कई एक भाषा है, जितनी भाषाओं को संविधान के अष्टम अनुसूची में प्रविष्टि दी गई उन भाषाओं की किसी भी लिपि से आप साइंस का फॉर्मूला नहीं लिख सकते, क्यों, इसलिए कि किसी भारत की किसी भी भाषा का स्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए साइंस का फॉर्मूला H2O + SO4 = 100 रोमन स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, न देवनागरी में, ना उर्दू में, ना बंगला में, ना उड़िया में, किसी भी भाषा की स्क्रिप्ट से इसको आप नहीं बना सकते, ठीक है। उसी तरह से अलजबरा का फार्मूला A + B² = 100 ये भारत की किसी भी भाषा का स्क्रिप्ट से आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी भाषा का स्क्रिप्ट इंडिपेंडेंट है। और मैंने एप्रोप्रिएशन इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट से ही बनाया जा सकता है, तो वारंगचीति इंडिपेंडेंट है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, और एक वारंगचीति से साइंस का फार्मूला, वारंगचीति का फार्मूला बहुत आसानी से बनाते हैं, एब्रोब्रेशन शॉर्ट में, जैसा हम इंग्लिश में लिखते हैं DN Champia, हिंदी में तो नहीं लिख सकते। अच्छा हिंदी में कभी कभी लिख देते हैं उसका गलत शब्द में, ओ, क्या बोलेंगे, गलत शब्द गाली गलौज वाला के अर्थों में निकल जाता है, अगर हिंदी में देवनागरी में उसको संक्षिप्त ग्रंथ करके लिखते हैं गाली गलौज वाला बन जाता है। तो ये वारंगचीति में बहुत बढ़िया से होता है। अब जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं DN Champia, और वारंगचीति में लिखेंगे DN Champia, मैंने यहाँ भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है उसी का अनुरूप उसका प्रोनाउंसिएशन भी है वारंगचीति का। अब जैसे इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन A, B, C, D, यहाँ की भाषा में ए मैंने ए वो क्वेश्चन होता ना, बी लाइन बी है ना, सी जो तो ना वो तो हम सी के ना, डी कोई आदमी वो आदमी हो कोई इंग्लिश में वो है। और देवनागरी का भी बहुत सा जो स्क्रिप्ट है अब वो हिंदी में उसको करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज में अगर उसको करते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट का भी बहुत सा अर्थ निकाल जाता है। देखिए अब नई शिक्षा नीति जो बनी है उसके तहत बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देनी है, अगर इसको लागू कर देगा तो लोग अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे। जब तक भाषा को रोजी रोटी के साथ शामिल नहीं किया जाएगा भाषा के प्रति लोगों का रुझान नहीं होगा। अब चूँकि हर समाज की भाषा को जब सरकार स्थान दे रही है
वो भाषा से पढ़ाई होगी तो उसमें शिक्षकों की जरूरत है। अगर उसी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो रोजी रोटी से इसका संपर्क हो जाएगा। इसीलिए भाषा का विकास के लिए जरूरी है रोजी रोटी।